तो धूमधाम से हो गई। सबसे समझदारी की बात ये हो गई कि दहेज में अपने बेटे की एक प्लेट देके अलग किया। एक प्लेट देके अलग किया। कोई झंझट नहीं, कोई किचपट नहीं। क्या दिमाग है, क्या सर है, क्या भेज है ये सर। कभी बेच दोगे तो मेरे को पूछ के बेचना मांगते है। अबे चुप, ये गंजा सर कोई लेके क्या करेगा। गंजा होना तो तकदीर का निशानी है। आदमी जितना गंजा होता उतना मालदार होता। अभी बाल जाएंगी, माल आएंगी। मालिक, जो जितना गंजा होएंगी उसका पास उतना माल आएंगी। है उतना माल आएंगी। ये तो बिल्कुल सफाचट मैदान है। इसको तो करोड़पति होना चाहिए था। साला सारी जिंदगी झाड़ू मारता रहिए। इतना भी गंजा नहीं होना मांगता है कि टकले का पूरा चिकनाहट की वजह से तकदीर का पैर पिसर के गिर जाए और पैर पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल मांगता है। झूठा कुछ भी बंडल मारता रहता है। क्या आपसे कोई साहब मिलने आए हैं? कौन है बुला? आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। राम राम कीमती लाल जी, राम राम। अच्छा खबर चाहना, घर में बाल बच्चा तो अच्छा है ना। बच्चे बड़े हो गए, बाल निकल गए। क्या है? आज छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आप घर पड़ी होगा इसलिए फाइल लेकर चलाया। आप इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन का छप्पा लगा दो, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। अरे क्या तुम्हारी शक्ल खराब है क्या? नहीं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी जगह है? आपका घर है? छप्पा क्या मैं जेब लेके घूमता हूँ? लगता तो नहीं पर हो भी सकता है। नहीं क्या भयानक आदमी, नहीं मतलब क्या आदमी है। अरे सुनो यार, किधर गया? ए कुटी, ए ये क्या कर रहे? फाइल आ गए ना, चाय की जरूरत पड़ेंगे। चक्कर कितने चम्मच डालने की? तुम्हें सुनिए जी, आप अपने दांत लेकर मतलब अपनी फाइल लेकर ऑफिस में आइए, वहाँ बात करेंगे। चले जाते हैं। जाता हूँ। ए ये लेके जाओ, फाइल छोड़ के जा रहा है। चलिए समझता नहीं, बस वो मछली होने लगी इसको देखिए। क्या आज छुट्टी का दिन, चार पैसे मिलता कितना अच्छा। काले पकड़ो इसको, बेच दिया। एक मारूंगा पकड़ के। ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए, घर में किसी ने देख लिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। ठीक तो है ना? हम ऐसा चक्कर घुमाया है कि तेरा गोवर्धन बाबू उसमें कचरे के माफी घूमता रह जाएगा। कैसे? कहे कि हम मंत्री जी को बुलाए और वो बहुत बड़े जज साहब है ना, क्या नाम है उनका, कुंठे, जस्टिस कुंठे, उनको बुलाएं। तो जब तक वो नहीं आते तो उनके चक्कर में नहीं आना, क्योंकि उनके सामने तो दहेज मांग नहीं सकेगा। हैं? तो जब तक वो नहीं आते तो अपना ये जरा पिटारा संभाल कर। अरे वाह, आइए आइए। कहाँ है वो? हमारी जेब में हाथ डाल के निकाल ले। क्या? 2.5 लाख का चेक। आप जानते हैं? तो पहले से जानते, लेकिन बात तो कैश की हुई थी। कैश हमारे पास नहीं, कैश तो उसके पिटारे में। वो कहाँ है? वो उधर है। नहीं, इधर ही। क्या चक्कर में डाल दिया आपने? आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। रमा की शादी के लिए आपने जो कुछ भी किया। अरे छोड़ ना यार, अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो दोस्त का आएगा? आइंदा ऐसा बोलना नहीं। नमस्ते गोवर्धन जी, गोवर्धन जी। बड़ी खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाए हैं। बड़ा ही नसीब वाला है आपका रवि। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरा नसीब। आप उनसे बातचीत कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। मेरा पैर। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कहाँ है शशि? साबुन की तरह फिर से फिसल गया क्या? गोवर्धन जी दरअसल वो अपने मामा जी को ढूंढने गया है। मामा की तो पर वो क्या लाएगा? मैं खुद जाता हूँ। अरे यहाँ कहाँ छुप रहा है? मामा जी वो मेरे पीछे आ रहा है। तो हमको खा जाएगा, कहीं और छुपना है यार। कहाँ छुपो? उधर मटका के पीछे। साला बहुत चिटकू आदमी लगता, पैदा होते गोंद में गिर गया था। कहाँ है वो? वो यहाँ तो नहीं आया। अरे मंत्री जी आ गए। मगर नमस्ते मंत्री जी। आइए आइए मंत्री जी, आपने बड़ी कृपा की कि शुभ क्षेत्र में आप आ गए। अरे छोड़िए, आपने तो हमको बुलाया ही नहीं। खैर जाने दीजिए, भूल गए होंगे। ये मामा हमको इन्विटेशन कार्ड दे के ना आए होते तो हम ना आए होते, लेकिन हम आ गए। बात ये है मंत्री जी कि अचानक सब हो गए। गोवर्धन जी आपका बैग। मेरा बैग? नहीं बैग तो मेरा है, लेकिन इसमें वो वो जो रखा है वो निकाल के दे। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा सोच लो। गोवर्धन जी ये बैग में कोनो लेन देन हो रहा है का? अरे क्या कह रहे हैं मंत्री जी, मैं और लेन देन? बात ये है, शशि नई फर्म खोल रहा है। इस बैग में कुछ बिजनेस के क्या कहते हैं कागज पत्र है। तो शशि शादी के बाद बैठ के बिजनेस की बात करेंगे। नहीं मगर ये बिजनेस का तो यही समय है, शादी के वक्त। क्यों शशि बेटा?
हाँ गोवर्धन जी, आप समझ नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो। आप ये इशारा क्या कर रहे हैं? नहीं लेना है। मंत्री जी आप खड़े क्यों हैं? आई 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 ले जाओ। बहुत अच्छे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड। वेरी गुड तो है, मगर इसकी पकड़ में नहीं आना लगता, फिर आने वाला भग 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 भग। मंत्री जी आप विराजिए, मैं जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। फिर कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? मुबारक। क्यों? जस्टिस कुंटे साहब आ गए। ओह जस्टिस, जस्टिस कुंटे। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पधारिए। गर्दन बाबू, जस्टिस कुंटे साहब। मालूम है साहब, हम सुना एक मंत्री साहब अपने बेटे की विवाह में बहुत सारा दहेज मांग रहे थे, तो आप उसको 6 साल के अंदर करा दिया था। सच बात है क्या? बिल्कुल सच है। मैं तो इस सड़ी गली परंपरा का सख्त विरोधी हूँ, और इस शादी में आना इसीलिए स्वीकार किया कि मामा जी ने बताया था ये शादी बगैर दहेज के हो रही है। अब आप बताइए क्या ये सच है? हाँ परम सत्य है, परम सत्य है। हम दहेज के विरोधी हैं, हम जनता के नेता हैं। जनता के सामने वो क्या कहते हैं उदाहरण तो बनना पड़ेगा। मगर ये बैग? उफ, क्या बैग, बैग हटाओ, बैग नहीं चाहिए। शादी में बिजनेस की बैग किस लिए? अरे बिजनेस की बैग की कोई जरूरत होती है? नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। पक्का? हटाओ हटाओ। अरे कौन है? मैं। कौन मैं? शराफत लाल इमानचंद। मैंने आपको पहचाना नहीं। चलो मेरे यहाँ काम करती थी। अच्छा तो आपके क्लब में काम करती थी? हाँ मेरे क्लब में काम करती थी। मैं उसका हमदर्द दवाखाना हूँ ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं उसका हमदर्द हूँ ना। वो बेचारी जब अक्सर तकलीफ में होती थी तो मेरे कंधे पे सर रखे रोती थी। यहाँ एक बार तो क्या मालूम, मेरे कंधे पे इतना बड़ा फोड़ा हुआ तो बेचारी बहुत रोई। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि फोड़ा हुआ था, बल्कि इसलिए कंधा एंगेज हो गया था। मैं देखो, मैं लुलू की पगार लेकर आऊँ। मैं लुलू से मिलने भी आया, जरा बुला तो उसको। बीमार है क्या? नहीं दीदी, बीमार नहीं है। क्लब में क्यों नहीं आई? हाँ बच्चे तो बड़े से नाराज होते हैं ना, तो बुला, मैं भी उसको हटाता हूँ गुदगुदी करके। बुला ना। कैसे बुलाऊं? पिछले हफ्ते से दीदी घर नहीं आई। नहीं आई? वो नहीं आई क्या? उसकी खबर भी नहीं आई? नहीं। तू फिक्र मत कर, तेरा अंकल शराफत लाल इमानचंद अभी जिंदा है, उसको चंद दिनों में ढूंढ निकालेगा। ऐसे ये छोटा लड़का कौन है? कौन? वो मेरा भाई है। भाई? कितना मीठा बच्चा था, पपी ले रहा था तो लग रहा था पेपरमिंट खा रहा हूँ। हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, लुलू पे थे। लुलू को किसी से खतरा था? खतरा तो मुझे नहीं मालूम। 30 तारीख की रात को आपके क्लब से एक आदमी उनसे मिलने आया था। मेरे क्लब से? क्या नाम था उसका? शक्ति। शक्ति? हाँ, फिर दीदी चली गई, न दीदी आई न शक्ति आया। ये गधे का बच्चा शक्ति मेरी छुट्टी करा के रहेगा, जहाँ जाता है अपने नाम का पोस्टर चिपका के चला आता है। अब हम लोग को भी उसका नाम पड़ गया। जेड, मैं बहुत परेशान हूँ। ये डॉक्टर का बच्चा बहुत बड़ा एक्टर है, ऐसे पोज मार रहा है, ऐसी इससे बात कर रहा है कि जैसे उसके बाथरूम में किसी की लाश थी नहीं। उसकी बातों से तो मुझे शक होने लगा है कि मैंने लुलू का कत्ल उसी के बाथरूम में किया था या कि किसी और के बाथरूम में किया था। मालूम नहीं लाश कल छुपा दी, लगता है लाश खा गया है और डकार तक नहीं मारा। डकार तो वो तुम्हारी निकालेगा, उल्टी और जुल्लाब के साथ। इतना बड़ा डॉक्टर इंजेक्शन देगा कि तुम्हारे मुंह में से, तुम्हारी आंखों में से, नाक में से, कान में से जितने सुराख है सब में से लुलू के हाथ, उसके पैर, उसका सर, उसके बाल, उसकी हथनियां करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। अरे तुमने जितने खून किए ना आज तक, उतने एक दिन में वो पोस्टमार्टम करता है। उसने खून भी देखे, खूनी भी देखे, उसके बाद दिमाग भी, हथियार भी है। वो तो सब ठीक है, मगर लाश गई कहाँ? लाश गई कहाँ? वो अकलमंद आदमी है, उसने लाश को छुपा दिया। उसके बाद जो तुम्हारा ब्रेसलेट मिला होगा ना, तो वो तुम्हारा ऑमलेट बना के पुलिस को खिलाने की तैयारी कर रहा है, और उसकी मदद करेगी ऑमलेट बनाने में अंधी लड़की जिसको तुम्हारा नाम मालूम है। मैं उस अंधी का खून कर दूंगा, और उसके पहले मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा। एक खून करेगा बहुत नाम कमाने का, दूसरा करेगा। लुलू का खून किया तो अंधी को पता चल गया, अब अंधी का खून करेगा सारी दुनिया को पता चल जाएगा।
ये डॉक्टर क्यों आया था? पता करने आया था कि उस रात में वाकई पूना गया था कि नहीं, और शायद इसलिए पूना में उसी होटल में जा रहा है। पर तुमने सब कुछ बता दिया। अरे वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो जो उसकी आंखों में ऑपरेशन की छुरियां नजर आती है। अब तुम गए काम से। अरे बाप रे बाप रे, अब वो जाएगा पुलिस के पास, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस तुमको पकड़ लेगी, तुमको उल्टा लटकाएगी, तुम्हारे बाल लोट डालेगी, तुम्हारे कपड़े निकाल लेगी, तुमको नंगा कर देगी, तुमको उल्टे सीधे करंट लगाएगी, गलत सलत जगह पे तुम चिल्लाओगे और मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरे बाल निकल गए, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद। तुम एक काम करो, अपनी नाक काट डालो, अपनी आंख फोड़ डालो। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, अपने मुंह पे तेजाब मारो। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, प्लास्टिक सर्जरी करके अपना मुंह बदल डालो। नहीं नहीं नहीं, आसान काम बताओ, अपने गर्दन काट के मेरी गर्दन लगा लो। अरे बंद करो यार। ऐसा कुछ नहीं होगा जेड। हकीम साहब रुकिए। अरे अरे डॉक्टर साहब। क्या? मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। मेरा? किस लिए? जी आपके इलाज से मुझे जबरदस्त फायदा हुआ। भाई देखो, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारा कब इलाज किया था। आपने मेरा नहीं, मेरे पिताजी का इलाज किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए? नहीं, मर गए। क्या बात करते हो यार। हाँ, आपने जो दवा दी थी उससे एक छींक आई और उनका दम उखड़ने लग गया और वो यमराज की गोद में जाके गिर गए। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? तुम्हारे बाप मर गया और तुम खुश हो रहे हो? आपकी दवा से वो मर गए, तभी तुम्हें लाखों की जायदाद का मालिक बन गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान किस तरह से चुका हूँ। किसी भी तरह चुका दो। कैसे चुका दो? चेक से चुका दो। डॉक्टर साहब मुझे सुनाई जरा कम देता है, आप जरा ऊंचा बोलिए, जोर से। हाँ ऊंचा आ रहा हूँ। कैसे चुकाओ या चेक से चुकाओ? सुनाई नहीं दे रहा है। क्या शरीफ बाप की हरामी औलाद है ना भाई? मैं भूल गया था कि तुम्हारा बाप मर गया, तुम यतीम हो चुके हो। जाओ, मैं यतीमों से फीस नहीं लेता, जाओ घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, अभी काम पूरा थोड़ी हुआ है। अभी मैं तुमको दवा दूंगा, तुम लुढ़क जाओगे, तुम्हारा बेटा लखपति हो जाएगा। जब वो आकर मेरा शुक्रिया अदा करेगा ना, तब मेरा काम पूरा होगा। जाओ, मरने के लिए तैयार हो। मिस्टर सुनील जान। वाह सुनील जान। अंकल जी, अंकल जी, ये जुल्म बंद कीजिए सर। आई सिट डाउन। देखिए, मैंने शीना जी के नाम सब कुछ लिख दिया है सर। आई स्टैंड अप। मगर सर, शीना जी को तो हजारों लड़के मिल जाएंगे सर। आई सिट डाउन। मगर मुझे शीना जैसी लड़की नहीं मिलेगी सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। अब मैं सिट डाउन सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आई स्टैंड अप सर, ये इंटरव्यू सब बंद करवाइए सर, प्लीज सर। मैं आपके हाथ, शीना जी, ओ आई स्टैंड अप, शीना जी, मैं आपके पांव पकड़ता हूं। नो दैट पैर स्पाइल, स्पाइल टच। मैं आपके पांव पकड़ता हूं। स्पाइल डजंट टच। नो नो, दिस इज वेरी बैड। फूंक भी नहीं। डोंट टच दिस। अरे कहां से आया सर, मैं आपके पांव पकड़ता हूं सर, ये इंटरव्यू बंद करवा दीजिए प्लीज सर। आप जैसा कहेंगे। वन ईयर नहीं सर, वेट फॉर मिनट सर। मिनट बिग, ईयर स्मॉल। अरे कौन सा मुल्क समझ में। वेरी गुड। कंसल्टेशन Consultation wrong. अच्छा। Consultation real. Understand? पागल। दे खुद रो वाई। दादा पखलो बंदे गोल बाजो को सू कर बंदे। दे खुद मुखर तोर देना। कैकलो कैकलो वस्ती। वासो वस्ती। नहीं नहीं द्रो वाई। कैकलो वस्ते ऐसे पस्ते। क्या हुआ मेरा? मेरा क्या हुआ? मेरा क्या हुआ? हम तुम्हारे पर वो खाता। चिकन चिकन। No chicken. This eat खाता। दिल का रहम, हम तुम्हारो रहम का था। लवली लवली लवली। तुम्हारो डू वन थिंग, तुम्हारा वो क्या बाप, फादर, बाप इधर लाओ। बाप? Why? No father? सर मैं क्या बताऊं सर, मैं आई सिट डाउन। मेरा बाप तो अच्छा, स्टैंड अप, यू डिसाइड सर। ओके अच्छा, सिट डाउन सर। मैं अनाथ हूँ, बचपन से ही माँ बाप को खो चुका हूँ। दे आर डेड। बचपन के अंदर आयनाथ हो गया। पीटी पीटी हो गया। नो प्रॉब्लम, आज से हम तुम्हारा बाप। क्या? यस। फादर, डोंट स्पॉइल, इडियट। आई एम सॉरी, आपने बाप बनकर मेरा उद्धार कर दिया। नो उधार, ऑल कैश। कैश तो मैंने सब इसमें लिख रखा सर, मतलब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अहमदाबाद? अहमदाबाद नहीं, धन्यवाद। अहमदाबाद? अहमदाबाद तो बहुत दूर है, मेरा धन्यवाद इधर। आई लाइक अहमदाबाद, वेरी गुड सिटी। कैसे समझाऊं इसको? नहीं, वेरी गुड सर। यू से समथिंग? नहीं, मैंने कहा कि बहुत अच्छा है अहमदाबाद। नो, व्हाट यू सेड सर? धन्यवाद। योर मैरिज फिक्स्ड? ओके। तुम्हारा काम, गो। नो स्पॉइल। अच्छा ठीक, राक्षस है। व्हाट व्हाट यू सेड? सॉरी सर। एलिफेंट जेड, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, किस डॉक्टर ने छुपके मेरी तस्वीरें क्यों उतारे? डिपार्टमेंट? यस सर।
मैं जो पूछूंगा उसका जवाब नहीं में देते जाना। जी, ये हीरो है? नहीं। हीरोइन है? नहीं। हीरो का बाप है? नहीं। हीरोइन का बाप है? नहीं। इलेक्ट्रिशियन है? नहीं। मैजिशियन है? नहीं। साइंटिस्ट है? नहीं। डेंटिस्ट है? नहीं। बन जब तुम कुछ नहीं हो तो तुम्हारी तस्वीर क्यों उतारी उसने? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए कि तुम्हारी तस्वीर उतार कर किसी को दिखाएगा ये साबित करने के लिए कि तुम कातिल हो, और जिस दिन तुम कातिल साबित हुए मैं तुम्हें कुत्ते की तरह चबा के खा जाऊंगा। मुझे कुत्ते की तरह बाद में चबा के खाना, पहले इस डॉक्टर का कुछ करना पड़ेगा। हम एक जासूस इसके पीछे लगा देते हैं जो इसकी तमाम हरकतों पर नजर रखेगा। अभी कैसे हो? अभी तक तो मैं अच्छा हूँ। अच्छे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मेरा फोन। तेरा यार, ये पेशेंट अगर खांसे ना तो उसको खांसने मत देना। ओके सर। जाओ डॉक्टर साहब। कैसे? मेरा फोन। कैसे हो? कब भेजोगे? कहाँ? घर और कहाँ? अभी तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हुआ, यहाँ लेट के भगवान को याद करो, जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा तो भेज देंगे तुमको। साहब पानी। देखो सुनो, ये मिक्सर है ना बहुत कड़वा है, पेशेंट को जरा संभाल के पिलाना, अगर पीने के बाद इसको हिचकी आए ना तो वो मीठा सिरप पिला देना। देखो लुढ़क नहीं जाना, संभाल लेना। दो घंटे लगा के मिक्सचर बनाया था पेशेंट के लिए, एकदम कड़वा था, भाई खुद ही पी गया, कमाल है, पता भी नहीं चला उसको। क्यों भाई, कहे तो ऑपरेशन था तुम्हारा? मेरे पेट में अल्सर हो गया था। अरे बाबरे, ये डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तुम्हारा? क्यों? हाँ। कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो ये डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन है, लेकिन क्या है थोड़ा सा भुलक कर है ना। अभी थोड़े दिन पहले इसने एक मरीज का ऑपरेशन किया। अच्छा। ऑपरेशन तो बड़ा कामयाब रहा। हाँ। और थोड़ी देर के बाद ही वो मरीज चिल्लाने लगा दर्द से। हाँ। क्यों? क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर उस पेट में खैची भूल गया था। अरे बाप रे। यार क्या बात है डॉक्टर साहब? यार मेरी बीवी ने मुझे सोने का बॉल पेन दिया था तोहफे में, तो साला खो गया, मिल नहीं रहा है, तुमने देखा कहीं? अरे बीवी ने तोहफे में दिया हुआ सोने का पेन कहाँ रखा था तुमने? तो यार मैं जब तुम्हारा ऑपरेशन करने को ऑपरेशन थिएटर में आया था ना तो मेरे हाथ में तो अच्छी तरह आया था मुझको, जब मैंने ऑपरेशन किया उसके बाद से खराब हो गया, मिल ही नहीं रहा है, कहाँ जा सकता है? अरे पेन मेरा घूम गया, तुम क्या उछल रहे हो? मेरे पेट में कुछ उछल रहा है। उछल रहा है? फिर ये मेरे साथ रोज रोज ऐसा क्यों होता है? कंपाउंडर, कंपाउंडर, स्ट्रेचर, यार ये तो तुम बोले, मुझे बोलने दो, कंपाउंडर। मैं घर जाता हूँ। क्या है? अरे यार तुम ऐसी लूक में तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार। अरे वाह, सोचना कोई आसान काम थोड़ी है, उसके लिए चलना पड़ता, उल्टा होना पड़ता, सर नीचे टांग ऊपर करनी पड़ती, नहीं तो भेजे में आइडिया नहीं आते। आपको मजाक सूझ रहा है और मैं इस फिक्र में कि कल करण का केस शुरू होने वाला है, पागल हो रहा हूँ। पागल? पागल? राइट, पागल। लगता है आप हो गए हैं। मैं नहीं, उसका भाई पागल होगा। लेकिन किसी को पागल साबित करना इतना आसान नहीं है। अरे मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि चार साल पहले मैं जिस पागल खाने में था उस पागल खाने का डॉक्टर ये बिल्कुल सर्टिफाई कर देगा कि करण पागल है। चार साल पहले आप पागल खाने में थे? हाँ मैं था पागल खाने में। क्यों? वो कुछ हालात ऐसे थे बेटे कि मैं अब इसको क्या बताऊं कि मैं पागल खाने में क्यों था, बोल खुल जाएंगी। नहीं अरे ये क्या चीज़ है? बाप को चीज बोलता है, शर्म नहीं आती है? तुम क्या मुसीबत है यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। तो यहाँ काहे के लिए चले आए? हर रात बिस्तर पर जहाँ मुझे हैरान करने चले आते हो वहीं चले आना था ना। वहाँ तो बड़े भयानक खर्राटे ले रहा था इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे मगर तुमको फ्रिज में सर्दी नहीं लगती है क्या? गधे, ससुराल के बावर्ची, मरने वाला फ्रिज पे बैठा हो या चूल्हे पे लेटा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है, क्या है? मुझे ऊपर तेरी माँ मिली थी। मेरी माँ मिली थी? क्या बोली मेरी माँ? क्या बोली मेरी माँ? उछल मत, पहले पूरी कहानी सुन ले। क्या है? उसको जब पता चला कि तेरी ये हालत है तो वो बहुत रोने लगी, कहने लगी मैं अपने बच्चे की हालत सुधारने की भगवान से प्रार्थना करूंगी,
उसकी हालत जरूर सुधर जाएगी। अरे वाह, मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे लिए चिंता करती है। ये मेरी माँ को मेरा नमस्कार बोलना। मैं कोई नमस्कार नमस्कार नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं उससे बात नहीं करता, वो बात बात पर मुझे डांटती है, इसलिए मैं भाग के नीचे आ जाता हूँ। बता, ये बाप है, अगर बाप ऐसे डिजाइन का तो बेटा कैसे होगा? खामोश। अजय सुनते हो? क्या हुआ? तुम्हारी बहू आ गई। तो डरता क्यों है? अरे मगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे कैसे? बिजली के वायर में घुसकर, बल्ब में से निकलकर, तस्वीर के फ्रेम में घुस जाऊंगा। क्या फेंकते हो यार? कहाँ हो तुम? मैं फ्रिज में हूँ, नहीं बावर्ची खाने में हूँ। गजब हो गया। वो तो रोज होता है, क्या हुआ? अरे तुम्हारे बाप फिर तस्वीर में नहीं है। वो फ्रिज में। क्या? नहीं मेरा मतलब वैसा होता है ना, जैसे बम्बई में नहीं बिजली आती जाती रहती है, तो मेरा बाप भी फोटो में से आता जाता रहता है। अरे पर मैं कह रही हूँ वो नहीं है। अरे है यार। और नहीं हुआ तो? कभी हुआ तो? तो चलो, तो चलो तुम पीछे चलो, मैं आगे आता हूँ। नहीं नहीं मेरा मतलब आगे चलता हूँ, तुम पीछे अपने मेरे मालूम है। तुम भी अनशन बकते हो। अरे शर्म करो शर्म करो, मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरी माँ ने नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने नहीं खाया, और तुम हो के जो भूखे भिखारी की तरह गपागप खाए जा रहे हो। भूना खाए तो मुझे क्या करना है, उन्होंने तो बहु हड़ताल कर रखी है। बहु हड़ताल? हाँ, जैसे फैक्ट्री में मजदूर पगार के लिए हड़ताल करते हैं, पब्लिक पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल करती है, वैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपने बहू के खिलाफ हड़ताल की है। मैंने थोड़ी की है, मैंने तो उस खाने के लिए अपने माँ बाप से हड़ताल की, तुम्हारे घर में चलाया। इस खाने के लिए मैं तुम्हारे माँ बाप की जूतियाँ खाता हूँ तो क्या नहीं खाऊंगा? मैं तो खाऊंगा, एक बार बोलूं। शराफत से चुपके से आके तुम भी खाना खा लो, बहुत मजेदार खाना है। बोलो खाती हो? हाय हाय, बड़ा बेशरम आदमी है। अरे क्या करती हो, बुढ़ा आदमी अपने बाप को बेशरम बोलती हो? अरे मैं तुमको कह रही हूँ, तुमको वो चले, वो तो मैं रोज सुनता हूँ। अभी भी चांस से खा लो, बहुत टेस्टी खाना, कसम से बोलता हूँ, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। अरे जाओ, मैं तुम्हारी तरह खाने के लिए मरती नहीं हूँ, और ऊपर से वो डायन के हाथ का बना हुआ खाना मैं जिंदगी भर तक ना खाऊं। मत खाओ, जा जन्म में। क्या कहा? नहीं नहीं, मन में कुछ ख्यालात की डकार थी ना, तो निकल गई। तो ठीक है, बबलू कहाँ है? कौन बबलू? अरे बेशरम, तुम्हारा बेटा। मेरा कौन सा बेटा? हाँ अपना बबलू, वो और कहाँ होगा, अपने मामा मम्मी के साथ होगा। अच्छा, क्या मुसीबत है यार। आओ खाना खाने, अभी थोड़ा ही बचा, तुम कहां से खाओगे? मैं अकेले खा लेता हूं, तुम जाओ। इसमें से अंकल कौन है? लाल शर्ट वाले। लाल वाला? ये आप कौन साहब है? अंकल जी ये ना मेरे मामा जी है, पी के गिर पड़े। कहां गिर पड़े? नहीं बोले तो गिर पड़े, इनका सरने में हो। काफी लड़खड़ा था सरने में। नमस्ते। नमस्ते से नहीं चलेगा, तो गले भी रहो। ओ एले एले, क्या लू? एले मैं आपको नहीं, मैं इसे बोल रहा हूँ। अच्छा। हुजूर आदाब। कौन आला दाबू? नहीं नहीं दाबू नहीं, इनका मतलब है खजाने दीजिए, रहने दो ना उर्दू यार। बेटे तुमने इनका आने का बताया नहीं, ऐसे आगे बेचारे। अंकल जी मेरे मामा जी का है ना, ऐसे ही बोले तो हर इंटरनेशनल फ्लाइट में ना इनकी एक टिकट बुक कर रही। हर फ्लाइट में आपका वो भी तो है ना, क्या कहते कैटरिंग का है ना, कैंटीन है ना, कैंटीन है हमारा, हर एक रेलवे स्टेशन पे एक एक कैंटीन है हमारा। हाँ फॉरिन में है, यहाँ नहीं है। तशरीफ रखिए ना। क्या रखूं? अरे बसाइला बोलता है मामा। अरे बैठने को बोल रहे हैं मामा जी। जी सर। कड़क है। इतना भी नहीं है, चुप करो। तो हिंदुस्तान कैसे आना हुआ? ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ताजमहल होटल का? नहीं नहीं, वो आगरे का ताजमहल। उसका कैसे कॉन्ट्रैक्ट? साफ सफाई का। 2 महीने पहले लाल किला और कुतुब मीनार साफ सफाई किया था, गंदा हो गया था ना। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? एकदम। 6 महीने पहले आईफेल टावर का गंज साफ किया था। गंज? लोखंड का है? नहीं वो जंग की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जंग 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 नहीं जंग। कुछ दिन पहले इसका भी टेंडर भरा था। उसका नहीं, वो अमेरिका में क्या है, वो हाथ में मशाल लेके खड़ा है, वो समंदर में खड़ा है, वो क्या है? हाँ, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वही तो बोल रहे हैं ना मामा जी, समझते नहीं हो। वही बोल रहे हैं, बोले तो वर्ल्ड की जितनी क्लासिक चीज है ना जगह, उनका सबका मेंटेनेंस का है ना, बोले तो हमारे मामा जी के हाथ में है। मैं मतलब साफ सफाई के काम में आप काफी माहिर हैं। बोले तो धंधा वो है ना, धंधा वही चाहिए ना। तो घोरपड़े साहब? घोरपड़े गिर पड़े। जी गिर पड़े साहब, आपके भांजे ने दिल जीत लिया हमारा। आदमी जैसा है ना, 15 मिनट अगर किसी के बाजू में बैठे ना तो उस आदमी को कंगाल कर देता है। कंगाल? दिल जीत लेता है ना उसका।
बॉडी में से अगर दिल निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो जाएगा, जेब में से अगर पॉकेट निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो जाएगा। आ गई पॉकेट नहीं बोले तो दुर्गा जी की बात कर रहा हूँ, दुर्गा जी आ गई। आओ बेटी, ये राजू के मामा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटी, इसकी जरूरत नहीं है, जीती रहो, देखो सोने की चिड़िया, तुम्हें सुखी रखे। ये ले ये ले ये ले ये ले, मरवाएगा ये। क्या ले? मैं इसे बोल रहा हूँ। अच्छा यही है ना तेरी? हाँ। आदा, कैसा लगा ये हमारा नालायक नंबर वन? मामा ऐसा ना बोला जामायला, ये नालायक नहीं है, लाखों में एक है। अच्छा वैसे आप सफर से आके काफी थक, आपका सामान कहाँ है? ओ, मैंने पहले ही गेस्ट हाउस में रख दिया था ना। अच्छा अच्छा, फिर आप आराम कीजिए, रात को खाने पे मुलाकात होती है। मिलते हैं। बिल्कुल। आओ आओ मामा। बाहर 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 नहीं, देवड़ा किंग बाहर। बड़े अच्छे लोग हैं। मामा जी ने तो आपको पास कर दिया। हुजूर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी एक बेटी का रिश्ता तो तय हो गया। फिदा साहब, भगवान ने चाहा तो मेरी चारों बेटियों की डोलियां एक साथ उठेंगी। चारों बेटियों की डोलियां एक साथ? हुजूर ये कैसे मुमकिन है? जो मैं देख रहा हूं शायद आप वो नहीं देख रहे हैं। मुझे भी दिखाइए ना। दिखा तो नहीं सकता, हाँ सुना जरूर सकता हूँ। वो शेर सुना है? इरशाद। कश्तियां सबके किनारे लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। साहब ऐसा तुम्हारा कितना दोस्त है? एक अच काफी है, मर गया। क्या है भाई, क्या देख रहे हो? कोई तमाशा है क्या? कोई चोर आया है क्या? कमाल, मौका मिलने की तमाशा देखने चले आए? बेवकूफ कहीं के, अच्छे खासे आदमी को चोर समझते हैं। चले तमाशा देखने चले आते हैं। विजय बेटा अपने पिताजी को घर ले जाओ, उनका ख्याल रखना, मैं बाद में आऊंगा। हाँ चाय लोगे साहब? हाँ चाय ले। कितने चम्मच शक्कर? शक्कर मत डालना। कमाल है, कभी दो चम्मच कभी चार चम्मच और कभी बगैर शक्कर के। तेरे बाप का क्या जाता है, क्या नाम है तेरा? 211। तू पहले एक बात बता, तेरी माँ को 211 के अलावा कोई और नाम नहीं मिला था क्या? मेरी माँ तो मुझे पैदा करते ही मर गई साहब, बाप का तो मुझे मालूम नहीं था। ये तो जिस अस्पताल में पैदा हुआ था उसी खाट का नंबर है ये। अबे खाट पे तो मैं भी पैदा हुआ था, मगर उस खाट का जो नंबर था, अगर उस नंबर का नाम रख लेता तो सारी दुनिया में बदनाम होके रह जाता। क्या नंबर था? 6? नहीं 420। जी बाबूजी। तेरी कितनी बार बुलाया तुझे, सुनती नहीं? ये चाय का कप दिन भर यहीं पड़ा रहेगा क्या? नमस्ते गोवर्धन बाबू। कौन? हम हैं जजमान। अच्छा नमस्ते। नमस्ते बेटा। आओ आओ मामा बनारसी। तो कहो कैसी चल रही है जिंदगी? अपनी जिंदगी तो ऐसे चल रही है जैसी देश पर तेरी सरकार। बिना इंजन के हैंडल, ऊपर से स्कैंडल पे स्कैंडल, यानी कोभांड पे कोभांड। बैठो पंडित जी, बैठो बैठो। तो बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा वा नहीं, हम तो निमंत्रण देने अपने बेटे की शादी के रिसेप्शन का। जहाँ तक मुझे याद है उसकी शादी तो हो चुकी है। वो दावत खाई थी भूल गए का? तो फिर ये कैसे? अरे दूसरी दावत खाओ, मौज उड़ाओ, सवाल नहीं पूछो। कहा है कि आजकल के लड़कों का एक शादी में पेट नहीं भरता है ना, दो दो चाहिए ना। बड़ा किस्मत वाला है आपका बेटा, ऐसे ही कुछ रास्ता हमें भी बताइए ना पंडित जी। है? आपको मैले साहब? मैले नहीं, एमएलए साहब। वही तो कह रहे हैं, मैले साहब। मैले साहब नहीं, एमएलए साहब। चलो वही कहेंगे, ए मैले साहब। तो ए मैले साहब आपको तो ऊपर से दहेज देना पड़ जाएगा। क्यों भाई, उसी लालच में तो हम शादी कर रहे हैं। अच्छा, मगर वो जो पहले से जो घर में बिठाई रखी है उसका क्या होगा? उसे तो हम छोड़ देंगे ना। अच्छा अजी सुनते हो, मामा बनारसी से बतियाते मत रहो, अधिवेशन नहीं जाना है क्या? जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ, मेरे साथ शॉपिंग भी जाना है। और हाँ वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोलियां भी खा लेना। अच्छा अच्छा, बहुत सही फैसला किया आपने, इनको तो ले जाके जंगल में छोड़ देना चाहिए। क्या बकरे हो, मैं इन्हें क्यों छोड़ूंगा? आप ही तो कहा कि पहली को छोड़ के दूसरी शादी करेंगे। अरे पंडित जी हम अपनी नहीं अपने बेटे की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कहो ना कि उस बहू को निकालना चाहते हो जिसको अभी तुम बड़बड़ाई के डांट रहे थे ना। हाँ। और कभी उसने नहीं छोड़ा तो? उसका भाई तो बहुत गुंडा है, एक नंबर का मवाली है, बहुत बदमाश हो। तो पंडित जी तुम साथ दोगे तो जालिम को
सबक सिखाऊंगा और उसकी बहन को जंगल में छोड़ आऊंगा। ऐसा रिश्ता ढूंढो जहां से 4-5 लाख मिल सके और तुम्हें भी तगड़ा कमीशन दे देंगे। ऐसी बात है तो फिर हम आपके बेटे के लिए 5-6 लाख का 10 लाख वाला रिश्ता तलाश करके लाएंगे। 10:30 बज रहे हैं, मुझे अधिवेशन पहुंचना है, तुम चाय वाय पी के तब जाना। मगर महिले साहब रिसेप्शन में आना नहीं भूलना। अवश्य अवश्य आऊंगा।